हेलो दोस्तों, सीओसीएल दोस्त के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वाले वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे आप किसी भी क्लाइंट में ज्वाइन करने के बाद इजीली प्रमोशन मांग सकते हो, या फिर कैसे आप एल्डर या फिर कोलीडर बन सकते हो, तो उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो बिना किसी टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप किसी भी क्लाइंट में ज्वाइन करते हो, वो हाई लेवल का हो या फिर लो लेवल का, वो मैटर नहीं करता है। आपका प्रोफाइल मैक्स होना चाहिए और आपका बेस भी मैक्स होना चाहिए, तो ही आपको ज्वाइन करने के बाद अगर मांगोगे तो प्रमोशन देने के चांसेस ज़्यादा है। नहीं तो अगर आपका बेस रश है, यानी कि ज़्यादा रश है अगर आपका बेस और प्रोफाइल भी ढंग से मैक्स नहीं है, तो आपको किकआउट भी मिल सकता है। अगर लो लेवल का क्लाइंट है तो आपको किकआउट नहीं करेगा, लेकिन प्रमोशन जल्दी नहीं देगा। तो प्रमोशन मांगने के लिए आपको वार में थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होगी, यानी कि पहले जो वार में आपको लेगा तो उसी में ही एकदम 3 स्टार करना है हर एक बेस को। आपका जो ओपोनेंट में वार में बेस है उस बेस में 3 स्टार करके दिखाना है और आपका स्किल्स दिखाना है। आपका स्किल्स अगर अच्छा हुआ, यानी कि आप लोग अच्छी से अगर इजीली 3 स्टार कर देते हो, आपका ओपोनेंट में जो बेस आता है वार में उस बेस में अगर इजीली 3 स्टार कर देते हो, तो उसके बाद प्रमोशन मांगने से आपका प्रमोशन मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो प्रमोशन मिलने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। अगर आप लोग वार में बैड परफॉर्मेंस करते हो, 1 स्टार या फिर 2 स्टार लेते हो, तो आपको किकआउट भी कर सकता है उस क्लैन से। तो ये तो बात हो गई अगर आपको उस क्लैन वार में आपको लेता है तो। अगर आपको उस क्लैन में नहीं लेता है तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग यही बोलोगे ना कमेंट में? नहीं नहीं, सुन के जाओ, वीडियो को पूरा देखो। अगर आपको उस क्लैन वार में नहीं लेता है तो आप लोग क्या करोगे? तो आप लोग उस क्लैन का लीडर या फिर को लीडर्स के साथ अच्छे से बात कर लीजिए। अगर आपको प्रमोशन चाहिए है तो थोड़ी दिन उस क्लैन में रहिए और जो जो भी डोनेशन मांगेगा, और कोशिश कीजिए कि मैक्स डोनेशन दिया जाए। अगर मैक्स डोनेशन दोगे तो वो लोग खुश हो जाएंगे। अगर को लीडर्स खुश हो जाएंगे तो, और लीडर्स भी अगर खुश हो जाएंगे तो आपको प्रमोशन मिलने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आप लोग तब मांगोगे प्रमोशन तो प्रमोशन मिल सकता है आप लोगों को। नहीं तो अगर आप लोग जल्दी से किसी भी क्लैन में ज्वाइन करने के बाद प्रमोशन मांगोगे तो किकआउट ही कर देगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थोड़ी दिन उस क्लैन में रहिए, उस क्लैन में जो लीडर्स है या फिर को लीडर्स है उन लोगों के साथ अच्छे से बात कीजिए और अच्छे से संबंध बना लीजिए, तभी आपको प्रमोशन मिल सकता है। नहीं तो प्रमोशन मांगोगे तो किकआउट भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो पे एक लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एंड मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा लो, उसके मदद से नोटिफिकेशन आता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए। द क्लैश ऑफ क्लैंस। क्लास में पढ़ता, रात में पढ़ता, फिर भी फेल हो जाता हूँ। उठने की कोशिश में करता, बार बार मैं गिर जाता हूँ। ग्रेविटी का फोर्स मुझ पर ही क्यों इतना ज्यादा है? मुझको जो कुछ भी है मिलता, सब कुछ ज्यादा आधा है। कल जो मैं था, आज जो मैं हूँ, उसमें फर्क ज्यादा है। दुनिया कैसी है मुझको अब सब कुछ समझ जाता है। लगता है सबको कि आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, देखना एक दिन जिंदगी में मैं भी जीत जाऊंगा। ऐसा कुछ बोलता हूँ तो पब्लिक क्यों मुझ पर हंसती है? सोचता हूँ दिन रात, तो बात मेरे दिल